हिमाचल प्रदेश में गत वर्ष की तुलना में इस बार सेब की फसल आधी रह गई है। सेब की फसल पर मौसम की मार पड़ी है। बावजूद इसके अभी तक मंडियों में 1,75,00,000 सेब की पेटियां पहुंच गई हैं, जबकि MIS के तहत भी 51,000 मीट्रिक टन सेब HPMC और हिमफेड ने खरीद लिया है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार ने प्राकृतिक आपदा से बेहतरीन ढंग से निपटते हुए सेब की फसल को मंडियों तक पहुंचाने का काम किया है, जबकि विपक्ष सेब की फसल सड़ने के बेबुनियाद आरोप लगा रहा था और किलो के हिसाब से सेब बेचने का भी विरोध करता रहा। लेकिन सरकार ने किलो के हिसाब से सेब बेचने के निर्णय को सख्ती से लागू किया और बागवानों को अच्छे दाम भी मिले हैं। MIS के तहत खरीदे गए सेब की 40 करोड़ की देनदारी बाकी है, जबकि 40 करोड़ रुपए बागवानों को दिए जा चुके हैं। शेष देनदारी को भी सरकार शीघ्र अदा करेगी। शुरुआत के दिनों में 1700 सड़कें हमारी प्रभावित हुई और इनका हल्ला था कि अब तो सेब सारा जो है हिमाचल में ही सड़ जाएगा। हमने किलो के हिसाब से शुरू किया, तब भी इनको बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि ये तो व्यापारियों की सरकार है, तो ये नहीं चाहते थे कि किलो के हिसाब से बिके। अभी किलो के हिसाब से जो शुरू हुआ फल बेचने का, उसके बहुत अच्छे मतलब नतीजे आए हैं। आज बागवान सभी प्रसन्न है, उनके उपज का जो है पहली बार उचित मूल्य उनको मिला है, तो सेब भी हमारा जो है कहीं भी जो है रुका नहीं है, लगातार ठीक है। सड़कें बीच में बंद होती रही, खोलते भी गए हैं और आपदाओं से हम लड़ते भी रहे हैं, तो आज सेब हमारा जो है इस बार इतना पहुंच गया मार्केट में, 1,74,00,000 पेटियां अभी पहुंच गई आज की तारीख में। और साथ में जो हमारा MIS का जो है, तो हमने 51,000 जो है ये जो है मेट्रिक टन जो है सेब हमने प्रोक्योर कर लिया है।